इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब आप मंत्रा ऐप के थ्रू कोई ओटीपी मंगवाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो आपको ओटीपी नहीं मिल पाती, मंत्रा ऐप में ओटीपी नहीं आ रही, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, जब आप वेरीफाई विथ ओटीपी करेंगे तो आपको अगर वो ओटीपी नहीं मिल रही तो इसके कई सारे रीज़न भी हो सकते हैं। जैसे सबसे मेन रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो नंबर है एक तो गलत आपने फिल किया है, ठीक है, बट अगर आपने सही नंबर भी डाला है तो उस केस में ये हो सकता है कि आपने वो नंबर डाला है जिसके ऊपर आपको नेटवर्क इशू हो सकती है, या फिर कभी कभार ये भी होता है कि ओटीपी जो है तुरंत नहीं आती, किसी किसी नंबर की प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ोन की प्रॉब्लम होती है कि आपको जो ओटीपी है या फिर मैसेजेस है वो इंस्टेंट नहीं आते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो ओटीपी है वो 2-3 घंटे बाद आ जाएगी, ठीक है, 2-3 घंटे बाद नहीं, मतलब 10-15 मिनट बाद भी आ सकती है, ओटीपी आने में कभी कभार वेट करना पड़ता है। इस केस में क्या करेंगे आप, तो एक तो अपना जो है मोबाइल को एक बार बंद करके चालू कर लीजिएगा और देखिए आपकी ओटीपी आपको मिल जाएगी, अगर आपका सही नेटवर्क है तो आपको ओटीपी आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लॉग इन विथ पासवर्ड, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने का भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है मंत्रा ऐप के ऊपर तो आप यहाँ से जो है पासवर्ड डालकर भी लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे क्या करना है। एक तो आप अपने फ़ोन को बंद करके चालू कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क फ्रीज़ हो गया हो तो वो आसान से खुल जाएगा, एंड उसके बाद आपकी जो भी ओटीपी नहीं आ रही थी वो आपको ओटीपी मिल जाएगी, एंड फिर भी अगर नहीं आती तो फिर आप पासवर्ड डालकर भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।